पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान लगे यातायात प्रतिबंधों की फेसबुक पर आलोचना दो लोगों को महंगी पड़ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही उत्सव के समय ट्रैफिक को नियंत्रित रखने के लिए शाम 4 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद देवजीत राय नाम के एक थोक व्यापारी ने फेसबुक पर इसके खिलाफ पोस्ट डाली थी। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी और 18 महीने के बच्चे के साथ 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई रिक्शा नहीं मिला। सरकार और यातायात महकमे को व्यापारी द्वारा यह आलोचना रास नहीं आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह की पोस्ट के आरोप में एक और व्यक्ति को भी पकड़ा गया।